हे ऑल, तो इस वीडियो में ना हम एक वुडन पेन स्टैंड पे पेंट करने वाले हैं। तो ये जो पेन स्टैंड है ना, ये मैंने फर्नीचर का काम चल रहा था तब वेस्ट मटेरियल जो निकल रहा था उससे एक पेन स्टैंड बनवा लिया, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन पे कुछ प्रोडक्ट्स देखे थे ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जो कि करीब आ रहे थे 500-600 रुपये में, और बेसिकली ये मेरा बन गया इन नो कॉस्ट, क्योंकि जो वुड जा रही थी ये स्क्रैप ही थी और इनका कोई मतलब पोटेंशियल यूज़ नहीं था। तो सबसे पहले ना मैंने बेस कोट के लिए यहाँ पे जेसो मेरे पास उस समय नहीं था, तो मैंने ना प्राइमर के लिए वाइट एक्रेलिक पेंट को ही यूज़ कर लिया। सो बेसिकली ये ना मैंने बड़ी सी वाइट पेंट की बॉटल खरीद ली, इसके बहुत सारे यूज़ हैं, मैं इसको एज बेस कोट यूज़ कर लेती हूँ और इसके थ्रू मैं दूसरे कलर्स भी बना लेती हूँ। मैंने अलग अलग कलर्स बनाने के लिए अलग अलग कलर के यूनिवर्सल स्टेनर ले रखे हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 मेरे पास यूनिवर्सल स्टेनर्स हैं जिनसे बेसिकली बहुत सारे कलर्स बन सकते हैं। सो ये प्राइमरी कलर्स हैं, सो इनको मिक्स करके ना मैंने यहाँ पे बनाया है लाइट ब्लू कलर, और ये कितना प्यारा टर्न आउट हुआ है। वुड के ऊपर ना बेस कोट लगाने के बाद अगर आप सेकेंड कोट करते हो ना तो क्या स्मूथ होता है यार, मतलब बटर की तरह चल रहा था ब्रश। सो बेसिकली जब फर्नीचर का काम चल रहा था ना, तो मैंने कारपेंटर से बहुत सारे ना अलग अलग वुडन के ना DIYs बनवा लिए थे, जिनको यूज़ करके ना मैं अब बहुत प्यारे प्यारे होम डेकोर्स बना रही हूँ। सो बेसिकली इसको मैंने ना बहुत 3-4 महीने पहले इसको पेंट करके ऐसे ब्लू पेंट करके रख लिया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना इसके साथ मैं क्या करूँ। इस पर पेंटिंग करने का सोच रही थी, या फिर मैं सोच रही थी कि या फिर कोई कोट लिख देती हूँ, पर लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि इस पे ना पेंट ही करते हैं। तो इसका जो फिनिश है और ये सूखने के बाद क्या प्यारा सा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक क्यूट सी साइकिल। साइकिल की जो इंस्पिरेशन है वो मैंने ली है गूगल से। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने ना सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, और फिर उन सर्कल्स के साथ मैं यहाँ पे एक क्यूट सी साइकिल बना रही हूँ। मैंने फिर से क्यूट यूज़ किया है ना। एनीवेज, तो ये हमारी प्यारी सी साइकिल बन के रेडी हो गई। लेट्स यूज़ सम कलर्स, और यहाँ पे मैंने सोचा है कि इस साइकिल को थोड़ा रंग बिरंगा बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रेड, और उसमें थोड़ा सा मैंने वाइट कलर मिक्स किया है ताकि पिंकिश सा शेड आए। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 00 साइज़ का ब्रश और एक 00 वाला ब्रश। सो ये जो कलर पैलेट है ना, ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये मेरी मम्मी से मुझे मिली है बेसिकली विरासत में। तो ये बहुत पुरानी है, जब मेरी मम्मी छोटी थी तब मेरी मम्मी यूज़ करती थी, और अभी जो इसका शेड आ रहा है ना, जो नीचे ग्रीन कलर की जो लेयर बन रही है ना, इससे ये गुआवा जैसा लग रहा है। और बेसिकली ना हर कुछ बोलने की ना मैंने PhD कर रखी है। आप लोग भी ना वीडियो देखते रहते हैं, कभी बोर हो जाते होंगे, मैं भी पेंट करते करते ना बोर हो जाती हूँ, क्योंकि डिटेल्स भरनी होती है ना, मुझे बहुत मौत आती है यार, क्योंकि यार ये कभी बिगड़ जाता है फिर उसको वापस सही करना पड़ता है। लेकिन एनीवेज, यहाँ पे ना जो पेंट होता जा रहा है ना, बहुत सही होता जा रहा है, मतलब जो लुक आ रहा है इसका बहुत सही लग रहा है। नेक्स्टली हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ब्लैक पेंट। मतलब ब्लैक पेंट यूज़ करते ही ना पिक्चर में जान आने लग गई है। सो डिटेलिंग करना ना बेसिकली बहुत टायरिंग होता है, लेकिन एनीवेज जब आपकी पिक्चर धीरे धीरे ना बाय लेयर इट कम्स टू लाइफ ना, इट वर्थ्स द टायर्डनेस। हे, इट्स मी बैक अगेन। तो हमारी जो पेंटिंग है ना, मतलब बेसिकली जो हमारा पेन स्टैंड है ना, वो लगभग कंप्लीट होने आया है। सो लास्टली ना ब्रशेस के स्ट्रोक्स लगा देने, फ्लावर्स की तरह लगेगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स यूज़ किए थे, लेकिन वो लास्ट में मैंने जब देखा था तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको रिपेयर करने के लिए ना मैंने लास्ट में इस पर थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर करके वापस से फ्लावर्स को थोड़ा मतलब ब्रशेस के स्ट्रोक्स वापस खड़े से करे थे। हमारी साइकिल लगभग बनके तैयार हो चुकी है, इस पर एक वार्निश का कोट जरूर लगा देना। अगर आप लोगों को साइकिलिंग करना पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे साइकिलिंग करना ना बहुत पसंद है। इसकी जो बैक साइड है ना, उस पर भी मैंने कुछ प्यारे से फ्लावर्स बना दिए थे। उसकी जो वीडियो है ना, वो मैं शूट करना भूल गई, वैसे भी उसमें मैंने इतनी कोई मेहनत नहीं करी थी, बहुत जल्दी बन गए थे। सो लेट्स गो एंड सी आवर फाइनल प्रोडक्ट।